अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल यू आर फाइन. दिस इज़ ओवर लेक्चर नंबर 7, सब्जेक्ट पार्क स्टडीज, चैप्टर 2. एंड टुडे वी विल रीड ओवर पेज नंबर 42, 43. ओपन योर PST बुक्स पेज नंबर 40, एंड आल्सो वी विल सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 7 एंड 8. ओपन योर बुक्स पेज नंबर 40. आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. निगोडिएशन विद पॉलिटिकल लीडर्स. आज हम अपना नेक्स्ट ये वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे. एट लास्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड इट्स फाइनल प्लानिंग टू वाइंड अप इट्स पावर. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड लॉर्ड माउंटबेटन टू द सब कॉन्टिनेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस. आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पावर को ख़त्म करेगी, और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देकर. इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ही मेट इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड हेल्ड निगोटिएशंस विद दैम. He met nawabs and rajas of princely states. He realized that no solution other than partition could be found. ठीक है, यहाँ आने के बाद वो बहुत से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ, राजाज और नवाब्स के साथ मिला, लेकिन क्या था कि वो किसी भी अहम फैसले पे ना पहुँच सका. उसे यही रियलाइज़ हुआ कि अब पार्टीशन होनी चाहिए. नाउ देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ एस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन. अब ये सवाल उठ रहा था कि पार्टीशन जब होगी, तकसीम, तो उसके क्या असूल होंगे. वन आफ्टर अनदर द लीडर्स ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड टू थिंक टू नेशन थीरी अ रियलिटी. लॉर्ड माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन हैड पर्सनल रिलेशन विद नेहरू फैमिली. अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस आल्सो कंसिडर्ड माउंटबेटन देयर सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट फ्रेंड. ठीक है, अब क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, वो तो एक दूसरे के बाद जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो टू नेशन थीरी की रियलिटी के बारे में सोच रहे थे. और लॉर्ड माउंटबेटन और मिसिज लॉर्ड माउंटबेटन जो थी, उनके नेहरू गांधी की फैमिली से काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे. और जो कांग्रेस थी उस वो कंसीडर कर रही थी कि वो उनके साथ ही हमदर्दी करेंगे और उनके अच्छे दोस्त साबित होंगे. कांग्रेस आल्सो कंसीडरिंग द पार्टीशन इंडिस्पेंसिबल. अ कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान बाय द कांग्रेस इन कोलेबोरेशन विद लॉर्ड माउंटबेटन टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इन सच अ मैनर एज अ ट्रंकेटेड इम्बेलेंस्ड एंड वीक पाकिस्तान वॉज मेड दैट वुड बी कंपेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सून. ठीक है, इनकी आपस में इन्होंने चालबाजी की और कांग्रेस और माउंटबेटन ने मिलकर इस तरह का प्लान बनाया कि पाकिस्तान अगर बनाया भी जाए तो इतनी कमज़ोर रियासत करके बनाया जाए कि ये दोबारा इंडिया में शामिल होने के बारे में सोचने लगे. लॉर्ड माउंटबेटन विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ स्टार्टेड फॉर्मिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज. ही अशोर्ड द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस कॉन्फिडेंटली दैट द पार्टीशन प्रोसेस वुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर विशेज एंड द कंडीशंस लेड डाउन बाय देम वुड बी प्रेफर्ड. उसने लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन के प्रिंसिपल्स, असूलों, कवानीन बनाने शुरू किए, और उसने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि ये जो असूल कवानीन बनाए जाएंगे ये आपकी ही मर्जी के मुताबिक बनाए जाएंगे, इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी दैट द मेन लीडर ऑफ द कांग्रेस बिगेन टू अवॉइड अपोजिंग द पार्टीशन. लॉर्ड माउंटबेटन टुक द स्कीम प्रिपेयर्ड इन सीक्रेट विद कांग्रेस टू लंडन फॉर अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो कांग्रेस के लोग थे, लीडर्स थे, वो इस कॉन्स्पिरेसी के रिजल्ट में क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि हमने अब इसके खिलाफ नहीं जाना. लॉर्ड माउंटबेटन ने स्कीम बनाई, उसको प्रिपेयर किया कांग्रेस के साथ सीक्रेटली, और इसको लंदन ले गया अप्रूव करने के लिए. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. व्हेन माउंटबेटन केम बैक फ्रॉम लंदन ही कन्वेंड एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. कायदे आज़म रहमतुल्लाह, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी एंड बलदेव सिंह पार्टिसिपेटेड इन इट. ठीक है, लंदन से वापस आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई तमाम पार्टीज की, और उसमें इनके लीडर्स को बुलाया, जिसमें कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और ये सरदार पटेल, ये सब शामिल थे, नेहरू गांधी भी. वॉइसराय ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टीशन प्लान. आफ्टरवर्ड ही हेल्ड सेपरेट मीटिंग विद लीडर्स ऑफ द ईच पार्टी. उसने पहले सारे तमाम पार्टीशन के एक्सपर्ट्स मुताबिक भी सबसे अलग मीटिंग की. ऑन 3rd June 1947 द सेकेंड सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड. ऑल द लीडर्स अप्रूव द प्लान डिस्पाइट द प्रोमिस मेड विद द मुस्लिम्स हैड बीन ब्रिज्ड एंड इनजस्टिस वॉज डन टू गेन द गुड विल ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस.
कायदे आज़म रहमतुल्लाह एक्सेप्टेड द प्लान अनविलिंगली, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लीडर्स ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया और जो मुसलमानों के साथ वादा किया गया था उसको तोड़ा गया। कायदे आज़म ने इसके बावजूद ना चाहते हुए भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। द स्पीचेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द मेजर पार्टीज वर ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। कायदे आज़म रहमतुल्लाह एंडेड हिज स्पीच विद पाकिस्तान जिंदाबाद। दोनों पार्टीज़ के लीडर्स की स्पीचेज रेडियो पर चली और कायदे आज़म ने अपनी स्पीच का अहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद पर किया। मेन पॉइंट्स ऑफ 3 जून प्लान 1947। 3 जून प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे, द गवर्नमेंट मेड द डिसीजन ऑफ पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट एक्नोलेजिंग द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू स्टेट्स। द गवर्नमेंट सेटल द डिटेल्स एंड डेवलप द प्रोग्राम रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। गवर्नमेंट ने जो था वो डिसीजन लिया पार्टिसिपेंट का सब कॉन्टिनेंट का, और उसके लिए जो असूल बनाए गए वो दोनों स्टेट्स को देखे गए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, डिटेल्स के साथ सेटलमेंट की इस प्रोग्राम की, जिसके मूल पॉइंट्स दर्ज हैं द पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस। द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल वर टू मीट इन टू ग्रुप्स, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉन मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। द मेंबर्स ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबली सिटिंग सेपरेटली विल बी एम्पावर्ड टू वोट वेदर और नॉट द प्रोविंस शुड बी पार्टीशन। उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल के जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके जो लीडर हैं वो आपस में मिलकर बैठेंगे, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी के डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा कि वो पार्टीशन चाहते हैं या नहीं। इफ़ एनी ऑफ टू डिसाइड टू इन फेवर ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस, देन द गवर्नमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिमिग्रेट द प्रोविंस। अगर दोनों पार्टीशन के बारे में फैसला करेंगे तो गवर्नर जनरल इनकी बाउंड्रीज को डिसाइड कर लेगा। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैबर पतून हुआ, अ रेफरेंडम वुड बी हेल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू असरटेन वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। द पोलिटिकल इशूज ऑफ द ट्राइबल एरियाज वुड बी सेटल्ड बाई द गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेफरेंडम। द गवर्नर जनरल वुड कंडक्ट रेफरेंडम हिमसेल्फ एंड फॉर दिस पर्पज ही वुड हैव द कॉपरेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है यहाँ पर इस तस्वीर राय करवाया जाएगा और आवाम जो है वो इंतखाब करेगी कि वो कौन से प्रोविंशियल में शामिल होना चाहती है। यहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाएगा और ये जो गवर्नर जनरल है वो रेफरेंडम खुद करेगा और इसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेट करेगी। सिंध असेंबली वुड डिसाइड द फ्यूचर स्टेट ऑफ द प्रोविंस। दो द मेजोरिटी ऑफ वोट थी, सिंध भी अपने वोट की मेजोरिटी से अपना फ्यूचर डिसाइड करेगी। इट वुड बी डिसाइडेड वेदर द प्रोविंस विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। द यूरोपियन मेंबर्स ऑफ सिंध असेंबली वुड नॉट हैव द राइट टू वोट। और ये डिसाइड किया जाएगा कि सिंध इंडिया में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में, और जो इसके अंदर ब्रिटिश मेंबर्स हैं उनको वोट करने का हक नहीं है। नेक्स्ट आ गया बलोचिस्तान। बलोचिस्तान हैड नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस टिल दैन अकॉर्डिंग टू प्लान। द ओपिनियन ऑफ द क्वेटा म्यूनसिपैलिटी एंड शाही जिरगा वुड बी सॉट। द ऑफिशियल मेंबर्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वोटिंग। बलोचिस्तान चूंकि तब सूबा नहीं बना था, तो उनके मुताबिक क्वेटा की म्यूनसिपैलिटी और शाही जिरगा जो हैं वो इस चीज़ को देखेंगे और इसमें भी ऑफिशियल मेंबर्स वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुलट इन आसाम हैड मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू द प्लान इट वॉज डिसाइडेड टू होल्ड रेफरेंडम इन सुलट। द रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन टू टू पार्ट्स। इफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल डिसाइड्स टू ज्वाइन द ईस्ट बंगाल दे वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सुलट था वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में लोग ज़्यादा थे, वहाँ पे उनका रेफरेंडम करवाया जाएगा, लेकिन ये बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद, और मेजोरिटी जो जो पीपल है वो डिसाइड करेंगी कि ईस्ट बंगाल में रहना है या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। नॉन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस द होल ऑफ द आसाम इंक्लूडिंग सुलट वुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। लाइकवाइज बिहार उड़ीसा यूपी सीपी बॉम्बे मुंबई एंड मद्रास वुड बी इंक्लूडेड इन इंडिया। उन्होंने कहा कि सुलट जो है उसको शामिल करते हुए इंडिया में शामिल कर दिया जाएगा रेफरेंडम के बाद, और उसके अलावा बिहार और उड़ीसा वगैरह इलाके सब इंडिया में जाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स शहजादों की रियासतें। देयर वर 635 सच स्टेट्स इन द सब कॉन्टिनेंट एज वर रूल्ड बाय नवाब्स और राजस। सम इंपॉर्टेंट स्टेट्स इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, कपूरथाला, बीकानेर, हैदराबाद, दक्कन, सवात, दीर, पटियाला, बहावलपुर एंड जूनागढ़, जिनमें ये बहावलपुर, जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कपूरथाला और बिकनार वगैरह थे। दीज स्टेट्स वर आल्सो गिवन द ओपिनियन टू डिसाइड देयर फ्यूचर एंड ज्वाइन द कंट्री ऑफ देयर ओन चॉइस। इनको भी ये हक है कि वो अपने राय खुद बताएं और किस कंट्री में शामिल होना चाहते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 जून प्लान।
फिर ये जो प्लान था इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द पंजाब एंड द टास्क वाज असाइन टू अ बाउंड्री कमीशन। अ ब्रिटिश एडवोकेट सर रेडक्लिफ वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। टू मुस्लिम जजिस जस्टिस शाहदीन एंड जस्टिस मोहम्मद मुनीर एंड टू नॉन मुस्लिम जजिस जस्टिस मेहर चंद महाजन एंड जस्टिस तीजा सिंह वर अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पंजाब प्रोविंस में ये वोट हुआ कि पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए फिर सर रेडक्लिफ जो थे उनको बाउंड्री कमीशन के लिए अपॉइंट किया गया और उन्होंने दो मुस्लिम जजिस और दो हिंदू जजिस जो थे नॉन मुस्लिम उनको लिया। सर रेडक्लिफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन मेड अनजस्ट डिसीजन। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी बट थ्री ऑफ इट्स तहसील्स वर इंक्लूडेड इन इंडिया। द मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर एंड फिरोजपुर वर आल्सो नॉट हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान। अनदर जस्टिस वॉज डन टू पाकिस्तान बाई गिविंग मधुपुर हेड वर्क। ठीक है, उसने भी इनजस्टिस किया, नाइंसाफी की और उसने जलंधरपुर फिरोजपुर के इलाके जो थे पाकिस्तान में शामिल ना किए। इसी तरह से ही उसने जो तहसील थी, तीन तहसीलें थी वो भी उसकी गुरदासपुर की, वो भी इंडिया के हवाले कर दी। सर रेडक्लिफ वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोविंशियल ऑफ बंगाल अमंग द मुस्लिम जजिस जस्टिस अबू साले मोहम्मद। सर रेडक्लिफ जो थे वो चेयरमैन थे ऑफ बंगाल को और उसमें जो जस्टिस थे अबू साले मोहम्मद अकरम एंड जस्टिस एस ए रहमान वर एज अमंग द नॉन मुस्लिम जजिस। जस्टिस सी सी बसवस एंड जस्टिस बी ए मुखर्जी वर अपॉइंटेड टू असिस्ट रेडक्लिफ। यहाँ पे भी दो दो जस्टिस जो थे उनको जो है अपॉइंट किया गया रेडक्लिफ को असिस्ट करने के लिए। वाइल पार्टीशनिंग बंगाल इंटू मुस्लिम मेजोरिटी एंड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी इन जस्टिस एज इट वॉज डन इन द पंजाब वॉज डन एंड मैनी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वर गिवन टू इंडिया। पाकिस्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलकत्ता मुर्शदाबाद एंड नदिया। ठीक है, उसी तरह से नाइंसाफी और बहुत से मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके इंडिया को दे दिए गए जिसमें कलकत्ता मुर्शदाबाद और नदिया था। एनी हाउ द डिसीजन वाज मेड दैट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल शुड बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। फिर कहा गया ईस्टर्न पार्ट जो है इस प्रोविंस का बंगाल का वो पाकिस्तान में शामिल होगा। आफ्टर रेफरेंडम वाज कंडक्टेड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस यहाँ पर भी रेफरेंडम हुआ। हैबर पख्तूनख्वा में द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डिसाइडेड टू फेवर इन पाकिस्तान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वोन अ हिस्टोरिकल सक्सेस। लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग सरदार अब्दुलरब निश्तर खान अब्दुल कयूम खान एंड पीर मंकी टूअर्ड होल ऑफ द प्रोविंस एंड द रिजल्ट केम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। थस एन डब्ल्यू एफ पी बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो मुस्लिम लीडर्स थे अब्दुलरब निश्तर वगैरह इन्होंने मुस्लिम इलाकों का दौरे किए और मुस्लिम लोगों को अवेयर किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, राइट यानी थ्री पॉइंट्स ऑफ द वेवल प्लान। ये वेवल प्लान के थ्री पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, ये आपने यहाँ से करने हैं, पेज नंबर 23 के ऊपर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आपको आंसर दे दिया। 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपने थ्री करने हैं होल्डिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैनिफेस्टोज ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इन द जनरल इलेक्शन 1945-46 1945-46 के जो आम इंतबात हुए थे उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मंशूर क्या था। तो ये पूरा मैनिफेस्टोज ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जो टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक ये आपके इस क्वेश्चन में इंक्लूड होगा, इसको मार्क कर लीजिए। ओके, डायरी प्रिपेयर 5 एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। डू होमवर्क ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन 7-8 ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। 5 एमसीक्यूज 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रेडी कीजिए जितनी रीडिंग में से उनका रजिस्टर पर होमवर्क कीजिए। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7-8 का भी रजिस्टर पर होमवर्क कीजिए और इस कंप्लीट वर्क को लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।